मैं इस वीडियो को एक कहानी के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो हुआ क्या कि अर्ली मैन को टेलीपोर्ट करके 2018 में लिया है, और वो जो अपना जादू है ना कोई मिल गया वाला, उसने अर्ली मैन को बोलना भी सिखा दिया, जैसे कि पीके को सिखाया था यार बोलना, भोजपुरी बोलता था ना। अब जादू अर्ली मैन को क्योंकि लेकर आया दुनिया में, तो उसने उसको रोहित से मिलाया, यानी कि ऋतिक रोशन से मिलाया। तो ऋतिक रोशन से उसने कहा कि यार मैं ना बहुत क्रिएटिव आदमी हूँ, अर्ली मैन ने ऐसा बोला ऋतिक रोशन से कि मैं बहुत क्रिएटिव आदमी हूँ और मैं चीजें बनाना जानता हूँ। तो ऋतिक रोशन बोला आइया बहुत बढ़िया। तो हुआ क्या कि उसने ऋतिक रोशन से बोला कि मैं आपके लिए काम करूंगा और मैं तुम्हें साइकिल बनाकर दूंगा। तो अगर मान लो वो अर्ली मैन रोहित को बिना बताए साइकिल बनाता, तब वो क्या करता? सबसे पहले वो व्हील को रीइन्वेंट करता, उसके बाद वो लोहा लक्कड़ लेकर आता, उसके बाद उनको जोड़ के डंडा वंडा बनाता, उसके बाद हैंडल बनाता, फिर ब्रेक बनाता और फिर पूरी साइकिल को तैयार करता। और इस साइकिल को तैयार करने की प्रोसेस में उसको कितना टाइम लगता, इस बात का अंदाजा ना ऋतिक को है, ना मुझे है, ना आपको है, और ना ही जादू को होगा। इसीलिए रोहित ने उससे कहा कि यार मेरे पास एटलस साइकिल है, और वो एटलस साइकिल तुम चलाकर अपनी एनर्जी उस एटलस साइकिल को इंप्रूव करने में लगा सकते हो। तो अर्ली मैन बोला ये क्या हो चुका है? उसने बोला हाँ ये ऑलरेडी हो चुका है, हमने साइकिल नाम की एक वस्तु ऑलरेडी बना दी है, उससे क्या होता है कि हम उस पर बैठते हैं, पैडल मारते हैं और वो चलती है। अब तुम कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि हमें उसमें पैडल ना मारना पड़े, या फिर पैडल मारना आसान हो जाए, या कुछ और दिमाग लगाओ, उसके आगे का काम करो। इतना काम हो चुका है। अब अर्ली मैन रोहित से बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि रोहित ने उसको बता दिया कि साइकिल ऑलरेडी बन चुकी है। अब अगर अर्ली मैन खुद से साइकिल बनाता तो कभी एटलस साइकिल से अच्छी साइकिल तो नहीं बना पाता, क्योंकि वो पहली साइकिल बनाता अपनी जिंदगी की। इसीलिए जो रोहित ने उसको साइकिल दी है वो बेटर फॉर्म में है, और अब वो उसको आगे ले जाकर उसको इंप्रूव कर सकता है। इसी तरह पाइथन में मॉड्यूल्स होते हैं, वो एक ऐसा कोड होता है जो कि किसी ने ऑलरेडी लिख दिया और वो अपनी बेस्ट फॉर्म में है। अब अगर मान लो आप रैंडम नंबर जनरेट करने का कोड लिखते हो, तो जो पाइथन में बिल्ट इन रैंडम नंबर का कोड है उससे बेटर आपका कोड कभी नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है लेकिन उससे बेहतर कभी नहीं हो सकता। तो पाइथन में मॉड्यूल्स हमारे पास एक एक्सटर्नल कोड होता है जो कि आप अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके उसके आगे का काम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा अर्ली मैन साइकिल को स्क्रैच से बनाने वाला था लेकिन रोहित ने उसको रोक लिया, उसी तरह आपको भी वो काम करने की जरूरत नहीं है जो कि ऑलरेडी हो चुका है। हालांकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं मॉड्यूल में क्या कोड लिखा है, आपने क्या लिखा है, उसको कंपेयर कर सकते हैं, वो अलग बात है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अर्ली मैन साइकिल की फैक्ट्री को विजिट कर सकता है और देख सकता है कि साइकिल को किस तरह बनाया गया है और साइकिल को बनाने की बेस्ट प्रोसेस क्या है और इन्होंने साइकिल को बनाने में कितना टाइम लिया और कितना एफर्ट लिया, उसी तरह आप लोग भी मॉड्यूल के कोड के अंदर झांक कर देख सकते हैं। लेकिन मॉड्यूल के कोड के अंदर झांक के देखने से पहले आप लोग को उस मॉड्यूल को चलाना आना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि ये मॉड्यूल्स क्या है और दो तीन मॉड्यूल्स के साथ जो है काम करते हैं। सो गाइज मैं भी यहाँ पर अपने कंप्यूटर में आ चुका हूँ। जैसे कि हम लोगों ने पहले पाइथन पाइचाम ये सब चीज़ें इंस्टॉल की थी, मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लूँगा या फिर विंडोज़ पावर शेल खोल लूँगा। अगर आप लोगों को नहीं पता कैसे खोलते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, विंडोज़ पावर शेल एडमिन में क्लिक करना है और फिर येस पे क्लिक करना है, आप लोग का विंडोज़ पावर शेल खुल जाएगा। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को मॉड्यूल्स के बारे में बताया, अब हम अगर कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप लोग को लिखना पड़ेगा pip install और उस मॉड्यूल का नाम। अब कौन सा मॉड्यूल क्या करता है ये सब बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैं आप लोग को एक मॉड्यूल का नाम बताता हूँ अपने आप से, जिसका नाम है फ्लास्क, और इसकी मदद से हम वेबसाइट बनाते हैं। अब आप लोग सोचिए मत कि ये क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, बस ये फ्लास्क लिख के एंटर मार दीजिए और देखिए ये किस तरह इंस्टॉल होता है। तो ये क्या कर रहा है, इंटरनेट से डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करके देखिए डाउनलोडिंग ये इंस्टॉल कर देगा। जैसे ही इंस्टॉल करेगा फ्लास्क को, इसके बाद ये कह रहा है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, ये सारी चीज़ जो जो डिपेंडेंसीज थी ये सब इसने इंस्टॉल कर दी हैं। अब अगर मैं यहाँ पर पाइथन लिखूंगा, देखो मैं यहाँ पर पाइथन लिख रहा हूँ, तो मेरा इंटरप्रेटर खुल गया। पहले मेरा ये लिख कर आ रहा था, अब देखो ये तीन मेरे जो ग्रेटर देन साइन है ये आ गए हैं, इसका मतलब मेरा जो पाइथन का इंटरप्रेटर है ये खुल चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर इम्पोर्ट फ्लास्क लिखूँ तो ये देखो मुझे कोई एरर नहीं मिला, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इंपोर्ट पांडास लिखूंगा जो कि एक और मॉड्यूल का नाम है, तो ये एरर दे रहा है, कह रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड, क्योंकि हमने ये मॉड्यूल डाउनलोड नहीं किया है। तो जो फ्लास्क और पांडास हैं वो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हैं, यानी कि उनको हमको इंटरनेट से लाना पड़ता है, और क्योंकि हमने सिर्फ फ्लास्क डाउनलोड किया है पांडास डाउनलोड नहीं किया है, इसलिए मैंने इंपोर्ट फ्लास्क लिखा तो एरर नहीं मिला और इंपोर्ट पांडास लिखा तो एरर मिल गया। अब ये फ्लास्क और पांडास क्या करते हैं वो आप लोग टेंशन ना लो, अभी थोड़ा रुको। अब मैं आप लोगों को कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स के बारे में बताता हूँ जिनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, यानी कि जो पाइथन के साथ आते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर अगर इंपोर्ट रैंडम लिखेंगे तो रैंडम को मैंने इंस्टॉल नहीं किया और ये मेरा एरर भी नहीं दे रहा, इसका मतलब रैंडम बिल्ट इन मॉड्यूल है। उसी तरह हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं और उन सारे बिल्ट इन मॉड्यूल की लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप लोग सिर्फ गूगल पर जाएँ, लिखें पाइथन बिल्ट इन मॉड्यूल्स
और यहाँ पर 3.7.1 की डॉक्यूमेंटेशन में आपको पाइथन की मॉड्यूल इंडेक्स मिल जाएगी, यानी कि कौन कौन से वो मॉड्यूल हैं जो कि ऑलरेडी इसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पाइथन मॉड्यूल इंडेक्स वाला पेज है, आप अगर पाइथन मॉड्यूल इंडेक्स भी लिखेंगे तब भी आप लोग को ये पेज मिल जाएगा, लेकिन आप लोग का जो पाइथन वर्जन है उसको आप ध्यान से ऊपर चूज़ कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि मैं अभी 3.7.1 यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 3.7.1 सेलेक्ट किया हुआ है। अब ये देखो, ये सारे के सारे जो मॉड्यूल्स हैं ये बिल्ट इन है, यानी कि ये पाइथन के साथ शिप होकर आते हैं। अब कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्ट इन नहीं है, यानी कि उनको आपको पिप से डाउनलोड करना पड़ता है, और पिप से कैसे डाउनलोड करते हैं मैंने आप लोग को यहाँ पर दिखाया। अब हमारा यहाँ पाइथन इंटरप्रेटर चल रहा है, मैं यहाँ पर इसको बंद करने के लिए एग्जिट और दो ब्रैकेट ऐसे लगा दूंगा। ये तरीका होता है पाइथन इंटरप्रेटर को ये बताने का कि हम इसको एग्जिट करना चाहते हैं। अब मैं एग्जिट करूँगा तो मैं वापस से अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आ चुका हूँ। तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या होता है यह आप लोगों को मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, और मॉड्यूल्स किस तरह इंस्टॉल किए जाते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं, अभी के लिए हमने सिर्फ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, इनका इस्तेमाल नहीं किया है, यानी कि इनको अभी अपने कोड में हम लोग नहीं लेकर आए हैं। लेकिन किस तरह पाइचा में कोड लिखा जाता है और किस तरह अपने मॉड्यूल्स को यहाँ पर लाते हैं ये मैं आप लोग को बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। तो आप लोग जो है थोड़ा सा आराम करें, वीडियोज़ को देखते रहें, धीरे धीरे चीज़ों को समझें, और मैं आप लोगों को सही टाइम पर सही चीज़ें सिखाता रहूँगा। तो गाइस जो पिप होता है वो पाइथन का पैकेज मैनेजर होता है। अब ये पैकेज मैनेजर क्या होता है, अब जैसे मान लो आप जब छोटे थे तो मम्मी आपकी क्या बोलती थी, कहती थी अंडे ले आओ, सब्जी ले आओ, बर्तन ले आओ, या फिर दूध ले आओ, या फिर प्लेट टूट गई है प्लेट ले आओ, बर्तन ले आओ, गैस का सिलेंडर खत्म हो गया वो ले आओ, वो सारी चीजें आप लोगों से काम कराए जाते थे। तो आप अपने घर के पैकेज मैनेजर थे, क्योंकि आपका काम था आप जगह जगह से चीजों को लाकर एक जगह रखते थे। उसी तरह पिप जो होता है वो पाइथन का पैकेज मैनेजर होता है, वो या तो बिल्ट इन जो पाइथन के मॉड्यूल्स हैं वो, या फिर इंटरनेट, इन दोनों में से किसी एक जगह से मॉड्यूल्स को पुल करके लाता है। अब मैं इन दोनों को आपको बताता हूँ, बिल्ट इन मॉड्यूल्स और आपके जो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, ये दो मॉड्यूल्स पाइथन में क्या होते हैं। तो ये जो बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं वो आपके घर में ही होते हैं। आपको जैसे समझ लो कि आपने अंडे जो है ऊपर कहीं रख दिए हैं और जैसे खत्म होंगे आप वहां से स्टॉक में से निकालेंगे, तो वो बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको बाहर से लानी पड़ेंगी, यानी कि इंटरनेट से लानी पड़ेंगी। वो क्या है आपकी, वो है आपकी एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, जैसे साइकिटलर्न है मशीन लर्निंग का मॉड्यूल, या फिर टेंसरफ्लो है मशीन लर्निंग का मॉड्यूल, वो आपको इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि वो चेंज भी होता रहता है और वो अपडेट होता रहता है, तो आपको अपडेटेड वर्जन मिले इसलिए आप इंटरनेट से उसको लेते हैं। लेकिन कुछ सिंपल मॉड्यूल्स होते हैं वो पाइथन के साथ ही शिप होते हैं, जैसे आपको रैंडम नंबर जनरेट करने का मॉड्यूल, आपको जेसन पार्स करने का मॉड्यूल, और भी आपके कुछ सर्वर के मॉड्यूल्स होते हैं, उनकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। मुझे इस वीडियो में से आपको सिर्फ इतना बताना था कि पिप क्या होता है और मॉड्यूल्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग इस सीरीज को पूरा देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे चैनल को, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि ये सीरीज घूम ना जाए, और अपने दोस्तों को भी बताइए। अगर आप लोगों को लगा कि ये मेरा तरीका पढ़ाने का यूनिक है और अच्छा है तो अपने दोस्तों को बताइए शेयर करके, और जितना आप लोग सपोर्ट दिलाएंगे उतने मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।